नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश्वर और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। गुजरात तापी सोनगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग सूरत धुलिया के रोड किनारे कचबा नदी के बगल में हाल ही में निर्मित दुर्गा आर्केड की सुरक्षा दीवार पहले बारिश में ही हुई भूस्खलन। ये दीवार कचबा नदी की तलहटी में खड़ी है और सुरक्षा दीवार गिरने से वर्तमान निर्माण पर सवाल खड़ा हो रहा है। सोनगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में देखा जाए तो नगरपालिका की जमीन पर पूरे गांव का सर्वेक्षण किया गया है और शहर के कुछ हिस्सों का भी सर्वेक्षण किया गया है। यहां तक कि आधुनिक युग में भी भूमि दबाव की समस्या सामने आ रही है। सबसे पहले इस समय गांव के सभी इलाकों में नदी नाले की जगह पर दबाव बना हुआ है। पहली बारिश में दो बार बारिश के पानी की समस्या, अब इस पहली बारिश में इस दुर्गा आर्केड की दीवार ढह गई है देखा जा सकता है और उसके ऊपर इस विशाल दुर्गा आर्केड का निर्माण खड़ा है। वर्तमान में सोनगढ़ नगरपालिका और मामलतदार से भी यदि संभव हो तो श्रीमान के प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाते हैं तो हम इस बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे ना। फिलहाल मामलतदार और नगरपालिका सोनगढ़ से जब इस मामले में पूछा गया कि क्या यह निर्माण अभी हुआ है तो वह कोई उचित जवाब नहीं दे पा रही है और इस दुर्गा आर्केड संपत्ति में आज भी ऊपर की तरफ कई दुकानें खाली है और न ही है खोली गई और न ही बेची गई। और इस दीवार के ढहने का मामला कॉम्प्लेक्स के निर्माण और आज पहली बारिश में बनने वाली सुरक्षा दीवार पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर सकता है। आज भी पहली बारिश में सोनगढ़ गांव में समस्या हो जाती है और जहां से सोनगढ़ नगर पालिका की सीमा शुरू होती है वहां से नदी बनने वाली बारिश के पानी के भारी प्रवाह के कारण इन दोनों नदियों पर कई घर आवास और अन्य संपत्तियां देखी जा सकती है। तो नगर पालिका और मामलतदार सोनगढ़ और जिम्मेदार अधिकारी इस मामले पर जवाब देना होगा। जगत न्यूज 24 गुजरात तापी सोनगढ़ से गणेश गुज्जर की रिपोर्ट। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहे जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।